बीए पार्ट थर्ड है, पेपर प्रथम, प्रिय प्रवास परिचयात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। प्रिय प्रवास के परिचय के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उससे संबंधित जो अपने पाठ्यक्रम में अंश रखे गए हैं। प्रिय प्रवास एक सशक्त व्यक्ति प्रलंब काव्य है जिसकी प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न पक्षों को लेकर की गई है। इस ग्रंथ का विषय श्री कृष्ण का मथुरा यात्रा है, इसी कारण इसका नाम प्रिय प्रवास रखा है। कथा सूत्र से मथुरा यात्रा के अतिरिक्त उनकी ब्रज लीलाएं भी यथास्थान इसमें लिखी गई हैं। इस पुस्तक में श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया गया है, ब्रह्मा करके नहीं, जो स्वयं विचार करे कि वे क्या थे। कवि ने अपनी इस कृति में कृष्ण कथा के मार्मिक पक्ष को किंचित मौलिकता एवं एक नूतन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। इसमें 17 सर्ग हैं, इसमें मंगलाचरण का उपयोग नहीं किया गया। कृति नव्यता से अपूर्ण आरंभ, वस्तु निर्देशात्मक, जिसके प्रमुख नायक लोक रक्षक लोक नायक श्री कृष्ण श्री राधा स्वकीय जन सेवारत हैं तथा श्री दामा इत्यादि कृष्ण सखा जीवंत पात्र हैं। ग्रंथ की कथा वस्तु के अनुकूल सुंदर तथा उत्कृष्ट प्रारंभ जैसा प्रिय प्रवास का हुआ उतना हिंदी के किसी दूसरे काव्य का नहीं है। दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण के उत्कृष्ट रूप चरित्र तथा स्वभाव की महत्ता की झांकी दिखाकर कवि ने ब्रज निवासियों के उन पर अपार स्नेह का चित्रांकन किया है। द्वितीय सर्ग में अक्रूर आगमन एवं कृष्ण के मथुरा ले जाने की घोषणा से ये प्रेम आकांक्षाओं से पुष्ट हो गया है। तृतीय सर्ग आसना वात्सल्य वियोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अन्यतम है। उन्होंने मथुरा प्रस्थान से पूर्व नंद बाबा की व्यथा का जैसा सजीव चित्र खींचा है वैसा अन्य कवि नहीं खींच पाए। सित हुए आने मुख लोभ को कट गए दुख व्यंजक भाव से। चतुर्थ सर्ग में प्रस्तुत नायिका राधा का स्वाभाविक चित्र द्रष्टव्य है। पांचवें सर्ग में सार्वभौमिकता एवं लोकप्रियता का चित्रण अभूतपूर्व है। षष्ठ सर्ग में नायिका राधा पवन दूत से मथुरा जाकर कृष्ण को उसका स्मरण कराने को कहती है। सप्तम सर्ग के प्रारंभ में मथुरा से बलराम सहित एकांकी लौटते नंद का ब्रज में आना अद्वितीय है। अष्टम सर्ग में सकल ब्रज व्याप्त कृष्ण वियोग व्यथा का जन्मादि स्मृति दर्शाई गई है। नवम सर्ग में कृष्ण का उद्धव को मथुरा से ब्रजभूमि भेजना तथा उद्धव की यात्रा के संदर्भ में अगणित एवं लताओं की सूची असफलता की द्योतक है। दसम सर्ग में यशोदा की दयनीय दशा तथा उद्धव से उनके पुत्र वियोग का चित्र मर्मस्पर्शी है। एकादश द्वादश तथा त्रयोदश सर्गों में गोपों का कृष्ण वियोग प्रभावी और व्यापक है। चतुर्दशगत में उद्धव गोपी संवाद में अनुराग वृत्ति पर बौद्धिकता के वर्चस्व के कारण चिंतव्य बन गया है। पंचदश सर्ग विरह वर्णन की दृष्टि से सर्वोत्तम है, जिसमें विरहिणी राधा का विशद चित्रांकन सराहनीय है। षोड़श सर्ग में कवि ने उद्धव सखा का कृष्ण संदेश तथा राधा का उत्तर लोक मंगल के अतिरेक के रूप में वर्णन किया है। अंतिम सप्तदश स्वर्ग करुणा एवं निराशा भाव से परिपूर्ण तथा सत्यम स्वयं किससे प्रेरित एक सफल महाकाव्य है।